हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सही होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं इतना थोड़ा बहुत बिजी हो रहा था, तो सही टाइम नहीं बन पा रहा था कि व्लॉग बना लेता। तो गाइस, आज हम चलते हैं अपने जॉब, और जॉब का ही मैं आज आपको ना व्लॉग बनाऊँगा। तो गाइस, फ़िलहाल तो हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, मैं तो आ चुका हूँ अपने ऑफिस डिलीवरी के, और रास्ते में इतना तेज़ जाम लग रहा था, इतना ज़्यादा जाम लग रहा था कि रास्ते में कहीं निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो गाइस, कैसे भी करके मैं वहाँ से निकला जाम से। वहाँ से मेरा आधा घंटा तो वैसे ही वेस्ट हो गया था, तो मैं कैसे भी करके वहाँ से निकल गया। तो आधा घंटा वैसे ही लेट हो चुका हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल, लेकिन फिर भी अभी तक कोई आया नहीं है, तो उसका वेट कर रहा हूँ। ना तो मैं अपने चलता हूँ ऑफिस, अंदर जाकर आराम से बैठूँगा, वेट करूँगा। फिलहाल गाइस, हमने तो बैग तो अपने पैक कर लिए हैं और ऑफिस समय में निकल चुके हैं। तो फिलहाल तो मैंने अभी पेट्रोल डलवाया था, क्योंकि मुझे अपनी बाइक का एवरेज की कुछ पता नहीं चल रही है, तो इसका एवरेज भी टेस्ट करना है तो मुझे। तो फिलहाल तो हम चलते हैं अपने रूट पर। तो गाइस, वास्तव तो मेरी हालत ही बेकार है, बाइक का तार भी टूट चुका है डिलीवरी के टाइम पे ही। भाई ऐसे ही लेके आया हूँ कैसे भी, मैंने कि ले चलो भाई कैसे भी करके आया हूँ कि डिलीवरी आ गई है, दे भी दी मैंने इसकी। तो ये है मेरा बाइक का तार, ऐसे टाइम पे टूटा है, काम के टाइम पर ही। एंट्री 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 एंट्री। तो गाइस, ऐसा हुआ मेरे साथ, पहली डिलीवरी नहीं लगी, मतलब पहला ही पैकेट जो मैंने दिया है वो पहला ही पैकेट नहीं लगा है। तो शायद मुझे लगता है कि और भी ना ऐसे चले जाए, 34 थे और 34 में से इतने शायद लगे, कितने नहीं कुछ पता नहीं, बाद में पता। गाइस, एक पैकेट फिर कैंसिल हुआ ये रहा। चलो, ये तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लिफ्टों में हो जाता है। ये भी यहाँ पर चल रही है, वो 14 पर रुकी पड़ी है, बहुत टाइम ले रही है हमारे लिफ्ट ये। आगे चलो। फाइनली गाइस, लास्ट पैकेट बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये, और इसको दे करके फिर हम निकलते हैं। थोड़ा बहुत पानी वानी पियेंगे, थोड़ा रुकेंगे, और उसके बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद सीधा सेकंड रूट, और सेकंड रूट में देखते हैं कहाँ का रूट मिलता है, कहाँ का नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा। तो गाइस, देखते हैं इसको, फिर निकलते हैं। तो फाइनली गाइस, सारी डिलीवरी हो चुकी है और हम जा रहे हैं ऑफिस, और ऑफिस जा करके देखते हैं कौन सा लोड मिलेगा, कहाँ का मिलेगा, यहीं का मिलेगा फिर से दोबारा, फिर यहीं पर आएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप है आज, देखिए कितनी तेज़ धूप है। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. गाइस, हमारी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, तीन पैकेट वर्क भी लगा चुका हूँ, और आगे चलते हैं दूसरे सोसाइटी में। तो लिफ्ट भी पता नहीं कैसा काम कर रही है, खुल जा भाई। तो गाइस, चार पैकेट और हैं, एक मेरे नाम पर नहीं था तो अभी मैंने अपने नाम पर करवाया है। तो अब चलते हैं सीधे, लिफ्ट का तो बहुत टाइम हो चुका है लेकिन लिफ्ट अभी तक आई नहीं है। तीनों लिफ्ट दबा चुका हूँ लेकिन अभी तक कोई सी भी नहीं आई, सारी ऊपर जा रही हैं। तो अब देखते हैं, चलते हैं इनको भी देख करके फिर दूसरी सोसाइटी में चलते हैं। गाइस, तीनों 11 पर अटकी पड़ी हैं, 11 11 11। भाई बहुत टाइम, अब तीनों एक साथ चली हैं, क्या बात है भाई, तीनों एक साथ चली हैं एक साथ। तो भैया सारे सफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ओ भाई, तो मैं हूँ 31वां फ्लोर पर, और यहाँ से देखिए क्या नीचे का क्या व्यू आता है।
भाई कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से देख देख कर। तो गाइस मुझे फिर से 31वें फ्लोर पर आना पड़ा था क्योंकि कस्टमर का फ़ोन आ गया था कि लेना है उनको, और बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था कॉल का तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की थी, तो एकदम से फिर बाद में इन्होंने कॉल कर ली क्योंकि मैं ट्राई करता रहा, तो इसलिए मैं 31वें फिर से आ गया हूँ। और अब 31वें फिर मुझे नीचे जाना है। ये 7 पर, ये 15 पर चल रही है, ये 30 ही आ गई ग्राउंड फ्लोर। गाइस लिफ्ट है ख़राब और एक है सबसे ऊपर, वो बहुत टाइम लगा रही है आने में, तो अब तो फिलहाल मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ 10th फ्लोर से। ये देखिए ख़राब पड़ी है, तो फाइनली गाइस सारे डिलीवर हो चुके हैं मेरे पैकेट और सिर्फ एक पैकेट बचा हुआ है, और देखते हैं कि शायद मुझे लगता है दूसरे पैकेट भी और आएंगे, तो कॉल आया था अभी शायद कुछ पैकेट भिजवाते हैं और देखते हैं, उनका वेट कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो फिलहाल मैं इसी सोसाइटी में उसके बाहर बैठता हूँ, वेट करता हूँ उसका। तो गाइस मेरे बाद में 6 पैकेट्स आए हैं बाद में, जो लड़का ने मुझे लेकर और के आया है, तो मुझे 6 पैकेट्स दे दिए हैं, लेकिन सोसाइटी कुछ ऐसी हैं जो कि मुझे नहीं पता है, और मुझे मैं बहुत देर से एक सोसाइटी को ढूंढ रहा था लेकिन बहुत देर से नहीं मिली है, तो फाइनली वो मिल चुकी है और मैं उसका पैकेट डिलीवर कर चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ दूसरी सोसाइटी में जो मुझे पता है। तो फाइनली गाइस मैं घर जा रहा था अपनी डिलीवरी पूरी कंप्लीट करके, और घर जाते ही वक्त में रास्ते में बस सामने इतना छोट बस थोड़ा सा बचा है, बस कुत्ता सामने आ गया था, बहुत मतलब आज बच गया हूँ बहुत। चलो बच्चे तो सही, कम से कम अब चलते हैं घर के लिए, आराम से रहूँगा देख करके। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर ऑफिस से, और फिलहाल बज चुके हैं 9, और 9 बजे मैं फ़िलहाल मैं अभी आया था, तो सीधा मैं नहाया भी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, क्योंकि रात में जब हम चलते हैं ना कहीं भी चले और डिलीवरी के टाइम पे, तो हमारे ऊपर एक तो इतनी धूल मिट्टी सब कुछ चढ़ जाती, तो हालत एकदम बेकार हो जाती है। इसलिए शाम को सीधा जैसे मैं आया रात के टाइम, और सीधा मैंने जैसे ही नहाया तो अच्छा फील होता है जब नहा लेते हैं, मतलब काम से कुछ करके आओ और उसके बाद कब नहाओ तो अच्छा थोड़ा फील भी अच्छा होता है। तो गाइस फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, सो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।